व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, अगर कोई काम आप लोगों को करना है तो वो काम आप लोग उस रीजन की वजह से कीजिए जिस रीजन की वजह से आप लोगों ने वो काम पकड़ा था, ना कि इसलिए कि लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करें तो ही आप लोग वो काम करें। लोग आप लोगों को हमेशा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि इवन आप लोग जब अच्छा काम कर रहे होंगे, कई सारे लोग तो आप लोगों की टांग खींचने की जरूरत करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है हमारे जो एरिया है, हमारा जो स्टेटस है उससे अलग ना निकल जाए। तो इस तरीके का माहौल आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने कोई चीज स्टार्ट की है कि यार ये रीजन था, इस रीजन की वजह से मैंने ये चीज स्टार्ट की है, तो उसमें फिर ये मत देखिए कि लोग आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो आप लोगों को तब तक ही पकड़ पाएंगे जब तक आप लोग उनकी रीच में रहोगे। जिस दिन आप लोग कुछ बड़ा कर जाओगे, फिर उनका जो रवैया है वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगेंगे। तो अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से जिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जिए, ना कि दूसरे को इंप्रेस करने के लिए जिए। अगर ये चीज जो है आप लोगों ने लाइफ में पकड़ ली, तो आप लोग खुद देखिएगा आप लोगों की लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो हर दिन आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। हर दिन आप लोग एक पॉजिटिव वाइब के साथ में उठेंगे, हर दिन अपने काम को अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर आप लोग ये देखेंगे कि यार सामने वाला तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, ये काम मैं कैसे करूं, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, नॉर्मली ये चीज आप लोगों ने फील भी की होगी, आप लोग एक बड़ी ही सुंदर सी एक ड्रेस खरीद कर लेकर आए, कोई भी पैंट शर्ट या फिर लड़कियां जो भी सूट सलवार या फिर जो साड़ी या फिर जो भी जिसको पहनना है वो खरीद कर लेकर आया, उसने बड़े शौक से खरीदी और वो चीज उसको बड़ी अच्छी भी लग रही थी। पर लेकिन जैसे ही पहन के वो बाहर निकला, दो चार लोगों के द्वारा उसके ऊपर कमेंट कर दिए गए, तो फिर वो क्या करेगा, वो उस ड्रेस को पहनने से पहले झिझकेगा, बोलेगा यार लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। आप लोग खुद देखिए, लोगों को पसंद आने के लिए नहीं खरीदनी है चीजें, अपने आप को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ये देखिए, क्योंकि जिस लोग ने वो देखी है, जिस भी इंसान ने वो देखी है, वो उसको हो सकता है कि आधे घंटे देखे, 15 मिनट देखे, 20 मिनट देखे, पर लेकिन 24 आवर वो आप लोगों के बदन पर रहने वाला है, आप लोगों की बॉडी पर वो कपड़ा रहने वाला है। तो आप लोगों को पहनने के बाद में कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों को पहनने के बाद में दिल की तसल्ली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड वाला आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को शांति नहीं मिल पाएगी। आप लोग कभी एक कोज के लिए नहीं, आप लोग अपलोज यानी कि अपनी बढ़ाई के लिए ये काम करते हुए नजर आएंगे, कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बस लोगों को किस तरीके से इंप्रेस करना है उसके ऊपर आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को जिंदगी में एक दिल की शांति, मन की शांति नहीं मिलेगी, और जब तक वो चीज नहीं मिलेगी तब तक आप लोग लाइफ में अपने आप को शांत रखकर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड जो है वो जल्दी ही इधर उधर होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है, इतनी शांति दिल में रहेगी, मन में रहेगी, उतना ही ज्यादा काम कर पाओगे। ये वीडियो कल शाम आप लोग की आई जिसमें अक्टूबर कवर हो चुका है, तो इसके चलते ही आप लोगों की टोटल 8 महीने की कवर हो चुकी है वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वीडियो अब तक कवर कर लिए जिसमें रिविजन में, ठीक है। तो ये आप लोगों को यूपीएससी का प्रीलिम्स या फिर ईपीएफओ या फिर स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आएगी वो याद रखिएगा, वो आएगा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, ठीक है, यानी कि जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, इसमें पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ जाते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, पर लेकिन मैक्सिमम का ये था कि सर इंडिविजुअल अक्टूबर की लेकर आइए, ठीक है, चलिए कोई नहीं, जब टाइम मिलेगा बीच में जब भी अक्टूबर के साथ में कंबाइन कर भी हम लोग वीडियो डाल देंगे 3 महीने की, पर वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, कई सारे बच्चे उसको देखते नहीं है, पर लेकिन जो भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं उनमें यार बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, तो उनको जरूर देखिए और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक और थोड़ी सी बात, ये वीडियो देखते देखते वीडियो के एंड में थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज कम आ रही है, यार ये वीडियो जब कल रिकॉर्ड कर रहा था तो पता नहीं क्या था कि सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो गया शाम, उन्हें था आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि आधा सर जो है वो दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है गिरेगा वो हटकर, ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी, तो मतलब एक अजीब तरीके का पेन हो रहा था, शायद हो सकता है एक दो दिन से ढंग से सोया नहीं, उसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है, मतलब जो भी रीजन था पता नहीं, पर लेकिन बहुत ज्यादा है जो राइट साइड वाला हिस्सा है सर का, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो हटके गिरेगा साइड में, कई बार आप लोगों को भी फील होगा इस तरीके से दर्द होता है, तो वो उस टाइम पर पता नहीं कई बार ऐसा भी लग रहा था, बल्कि इवन शाम को जो है कुछ थोड़ा सा खाया फिर वोमिटिंग भी हो गई, रात को जो है लगभग 9:30 बजे करीब जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके हटा तो थोड़ी सी वोमिटिंग भी हो गई, तो उसकी वजह से भी अंदर से बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, ठीक है, सुबह भी उठा तो सर भारी भारी लग रहा था, हालांकि वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, छोटी वीडियो रिकॉर्ड की नैनो मैगजीन की भी, इसीलिए
क्योंकि अंदर से एक तरीके से जो पढ़ रहा हूँ ना, मतलब पढ़ रहा हूँ बैठ के, तो सर जब भारी होता है, आप लोगों ने देखा हो कुछ चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो चीज कई बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए टाइम भी लग जाता है उस चीज में फिर। ठीक है, तो वो चीज सेम अभी, अब थोड़ा सा कम है, हालांकि अब मॉर्निंग में अब मतलब थोड़ा सा डाउन है, तो थोड़ा देखूंगा, थोड़ा दिन में लेट जाऊंगा, तो कोई एक थोड़ी सरदर्द की कुछ मतलब कोशिश करूंगा, गोली देखिए मैं गोली से बचने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं चीजें अगर आराम से हो जाएगी तो वीडियो तो देखिए नहीं रुकेंगी, आप लोग कंटिन्यू चलती रहेंगे, गोली वगैरह देख के चलते हैं कैसे चलते हैं। ठीक है, तो वो वॉइस इसीलिए कम आ रही है क्योंकि पता नहीं बीच बीच में वोमिटिंग की फीलिंग आ रही थी मुझे उस वीडियो में, और हो गया वो 9:30 बजे करीब, फिर मुझे वोमिटिंग हो भी गई। ठीक है, तो पता नहीं क्या था, कुछ मतलब ऐसा कुछ खाया भी नहीं था कि गलत कुछ खा लिया, नॉर्मल रोटी सब्जी वही सब चीजें, खीरा वगैरह वही तो खाया था, पर वो ये कि लंबे समय से ये वीडियो बनती है ना, जब 8-9 घंटे तक लगातार बैठना पड़ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि चीजें उसकी वजह से भी लंबे समय तक बैठे रहना, और फिर रात जो था अब उससे 1-2 दिन पहले ढंग से नींद भी नहीं ली, तो कई सारे रीजन हो जाते हैं, तो इसलिए हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए यार। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें एक बोलिए दूसरों की गलतियों से सीखो, तो ये मैंने गलती की है तो मैं झेल रहा हूँ, तो आप लोग गलती ना करें, प्रॉपर एक नींद लें, अच्छी डाइट लें, और थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि अभी कल जो है मैं अपनी जो रनिंग वगैरह भी नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी आइए अब ओवरव्यू ले लेते हैं कुछ न्यूज़पेपर का, तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कल हमारी कंट्री में जो केस आए वो अब तक के सबसे हाईएस्ट केस आप लोगों को देखने को मिले, तो हमारी कंट्री में 3.5 यानी कि 3.5 लाख केस पूरे हो गए, 2,809 लोगों की डेथ होगी, तो यहाँ पर महाराष्ट्र तो टॉप पर चल रहे हैं, इसके बाद में फिर है यूपी और फिर है कर्नाटका, तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी लार्ज स्केल पर कंट्री के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और हाँ इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और फंडामेंटल राइट वाली भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो जिसको पता था ना कि फंडामेंटल राइट की पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो वो भी आप लोग देख लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे स्टडी लवर वीर के नाम से। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर कई सारी बातें दे रखी हैं, एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए मिल जाती है, हालांकि दुखद खबर है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली रंजन मिश्रा के बारे में, जो कि एक क्लासिकल सिंगर थे, तो कोविड-19 जो है वो इनको भी ले डूबा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक पद्म भूषण अवार्डी थे, हमारी कंट्री में जो पद्म भूषण होता है वो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, और फिर पद्म भूषण, उसके नीचे आता है पद्म श्री, तो पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ था। ठीक है, तो ये ख्याल स्टाइल जो इंडियन क्लासिकल सिंगिंग होती है उसके साथ में ये कनेक्ट थे। बाकी ये एक जो खबर है यहाँ पर, 18 से लेकर 44 साल के जो एज के जो नवयुवक हैं उनको प्राइवेट फैसिलिटी के थ्रू कोविड-19 की दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके चलते जो पेशेंट्स हैं वो काफी लंबे समय तक वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर ताकि उनका नंबर आ जाए, कई सारे लोग बीमार हैं, डिले हो रहा है, कई सारे राज्य में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इवन दिल्ली के अंदर बोला गया है अभी यहाँ पर कि लॉकडाउन जो है वो मंडे तक बोला था खत्म हो जाएगा, अब 3 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है, तो सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर भी, इवन कई सारे एरिया में ऐसे हैं कि पार्क में रखकर बॉडियों को जलाया जा रहा है, यानी कि जो क्रेमिनेशन जो हाउस होते थे जहां पर दाह संस्कार करते थे नॉर्मली, जिनको बोलते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है, लोकल भाषा में उसको जैसे हमारी एरिया में उसको चहने बोलते हैं कि यहाँ पर जाकर चहनों में लोग जलेंगे, ठीक है, मृत लोगों को जलाया जाएगा, आप लोगों के एरिया में क्या बोलते हैं बताइएगा, तो यहाँ पर अब वहां पर जगह नहीं बच पा रही है तो लोगों को ग्राउंड में रखकर जलाना स्टार्ट कर दिया, वरना काफी लंबी कतार लगी हुई थी, तो काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान जा रही है। यूएस के द्वारा बोला गया कि वो हेल्प करेगा इंडिया की जो रॉ मटेरियल होता है, देखिए बेसिकली होता क्या है, जो दवाइयां बनाई जाती है उसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं, तो बाहर से हम लोग नॉर्मली परचेज करके लेकर आते हैं, तो यूएसए ने हेल्प करने की बात की है, यूके भी हेल्प करने के लिए तैयार यहां पर हो गया है, इसी के साथ में रसिया ये काफी बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है हमारी कंट्री में दवाइयां प्रोवाइड कराने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वो सारी चीजें, तो कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में जो कंडीशन है पास्ट से ये लग रहा है कि कुछ सीखा नहीं है, पास्ट वाला ही माहौल देखने को मिल रहा है फिर से, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन गया है, यहाँ पर शराब की दुकान एक ऐसी चीज है जिसके सामने से भीड़ टूटे नहीं टूट रही है, तो ये एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, को कई सारे लोग माइग्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी कमी है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो ये आप लोग देश में देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है, इवन आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल साहब और जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनकी बात सुनी होगी, यहां पर जब उनके बीच में बात की जा रही है तो दिल्ली को टोटल रिक्वायरमेंट है यहां पर 70 की, ठीक है, यानी कि उनको 70 मेट्रिक टन यहां पर ये ऑक्सीजन चाहिए, पर लेकिन मिल कितनी रही है 490, 335, 490, 309, 448, तो इस तरीके से यानी कि लगभग आधे से कुछ ज्यादा थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है, तो अब आप लोग ये समझिए जिन हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या कंडीशन होगी, हरियाणा के अंदर भी 8 लोगों की जान चली गई हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन न होने की वजह से, और देखिए ये तो वो डेटा है जो सामने निकल कर आ जाए, बहुत सारा ऐसा भी डेटा होगा जिसके बारे में पता ही नहीं होगा,
होगा जो बहुत सारा डेटा रहता है, ठीक है। इसके साथ में बात करें, फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कई सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के प्रोटेस्ट पर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर चला जा रहा है। अब यहां पर क्या कंडीशन है, ये कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसको बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है, तो इसके चलते ये माहौल एक अलग ही चल रहा है जिसको अभी, अब पहले भयानक बारिश हुई, सर्दी हुई, अब भयानक गर्मी पड़ रही है, फिर भी यहां पर किसान जो है वो कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही तरीका है यहां पर जो सिचुएशन है। तो कम से कम बात करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है हम बात करने गए, पर लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि फालतू की बातें बोली जा रही है, हमसे कोई बात करने नहीं आ रहे, तो एक अलग ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। काफी सारे लोग जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाइन में लग रहे हैं, काफी लंबे समय तक लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि योगी जी के द्वारा ये बोला गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं, ठीक है। तो रियलिटी में अगर ये अफवाहें हैं तो ये जो न्यूज है ये क्या बता रही है, इवन जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ कैपिटल है वहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो आसपास वाले एरिया में तो और क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान के द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी 18 साल से ऊपर के जो भी युवक हैं। तो राजस्थान मैंने देखा है फिलहाल जो है कई सारे ऐसे स्टेप लेकर चल रहे हैं जो कि अच्छे स्टेप हैं, खासकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो ये एक अच्छे से चीजों को एक अच्छा उनके एक अच्छा नेतृत्व देखने को मिल रहा है, तो इससे दूसरे राज्य भी सीखना चलना चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये भी बात है यहां पर। इसी के साथ में इनके बारे में मैंने बता आप लोगों को बताई, रंजन मिश्रा साहब कोविड-19 की वजह से चपेट में आ गए, ठीक है। बाकी अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक जज यहां पर, वो भी रिसेंटली कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हो गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लगभग 90,000 के करीब जो रेलवे के वर्कर हैं वो यहां पर कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं। सोचिए डेली 3.5 लाख के करीब केस आ रहे हैं, तो कहां कहां तक कोरोना वायरस पहुंच चुके हैं, और ज्यादा ताकतवर जो वर्जन निकलकर अभी सामने यहां पर आ रहा है। तो जो यहाँ पर इनकी जो एज थी वो लगभग 62 ईयर थी, रिसेंटली यहाँ पर अभी इनकी जान चली गई, तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी के द्वारा बोला गया कि इग्नोर करो जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, कई सारे र्यूमर भी हैं, इनके द्वारा बोला गया 45 साल से ईयर के जो ऊपर के लोग हैं उनको कंटिन्यूअसली जो है फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। बाकी 18 से 45 साल के बीच के उनके लिए उनको खुद से पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है प्राइवेट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पर दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी। पीएम केयर जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, उसका फंड जो है 551 ऑक्सीजन जो प्लांट है हॉस्पिटल्स के अंदर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की बात करेंगे। पीएम केयर ये वही फंड है जो जनता के द्वारा पैसा दिया गया था और पैसा इकट्ठा किया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरटीआई के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू भी यहां पर ये बताने से मना कर दिया था कि कितना यहां पर फंड यहां पर पहुंच गया, ठीक है। उड़ीसा में काफी अच्छा एक स्टेप उठाया गया कि जीपीएस का यूज करके यहां पर बेसिकली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं यूएसए का ये सिस्टम है, इसका यूज करके जो व्हीकल है उसको ट्रेस किया जाएगा कि कहां तक व्हीकल पहुंच चुका है, ताकि उसको टाइम तक हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, तो ये एक स्टेप देखने को मिल रहा है। 82 के करीब जो पेशेंट्स हैं उनकी जान चली गई आग लगने की वजह से बगदाद यानी कि इराक के अंदर में कोविड-19 के हॉस्पिटल में, तो ये देखे कोविड-19 ऑलरेडी लोगों की जान ले रहे हैं, उसके बाद में ये ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन दिख रही है, तो ये अलग ही माहौल देश के अंदर क्रिएट कर दे रही है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो बाइडेन साहब के द्वारा बोला गया कि अर्मेनिया के अंदर 1915 में जो ओटोमन एम्पायर था उसके द्वारा जो हरकतें की गई थी उसके चलते काफी सारे लोगों की जान गई थी, और पहली बार यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर इसको जेनोसाइड का दर्जा दिया गया। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों की जान लेना, तो वो अभी यहां पर जो तुर्की के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इनके द्वारा ये अभी स्टेप देखने को मिल रहे हैं। तो मेंबर ऑफ जो अर्मेनिया है यहां पर डायस्पोरा, ठीक है, तो उनके द्वारा तुर्की की एम्बेसी के सामने यहां पर प्रोटेस्ट किया गया वॉशिंगटन में, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन देखने को मिल रही है कि एक तरीके से एक अलग ही माहौल यहां पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो ये हो गया यहां पर तुर्की, जो आप लोगों को ये कलर देखने को मिल रहे हैं, ऊपर नीचे है मेडिटेरेनियन सी, ऊपर है ब्लैक सी, यहां पर आप लोग देखेगा ये हो गया अर्मेनिया, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है इसके बारे में। बाकी यहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टडी यहां पर की गई, कहां पर ये की गई, बेसिकली यूके के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टडी की गई यहां पर क्या कंडीशन थी, इसमें जो लोग थे उनको एक गुफा के अंदर छोड़ा, यूके के अंदर सॉरी फ्रांस के अंदर एक गुफा के अंदर लोगों को छोड़ा गया 40 दिन तक, तो 40 दिन तक जो है 15 लोगों को छोड़ा गया, तो ये जो 15 लोग हैं अब 40 दिन तक मान लीजिए उस गुफा में ही आप लोगों को सब कुछ खाना पीना मिल रहा है, और वहां पर जो रोशनी है वो आप लोगों से आर्टिफिशियल रोशनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 24 घंटे वहां पर आप लोगों को बेसिकली आप लोगों के हिसाब से दिन होगा और आप लोगों के हिसाब से रात होगी, कोई सूरज नहीं चल रहा है वहां पर, कोई बाहर से हवा नहीं आ रही है, सारी फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड कराएगी। तो लोगों के अंदर जो सेंस है जो बेसिकली टाइम की, यानी कि अब दिन हो रहा है, अब रात हो रहा है, यानी कि अब दोपहर हो गई, अब ये टाइम हो रहा है, तो वो सेंस लोगों के अंदर खत्म होती नजर आई, ऐसी चीज यहां पर देखने को मिली, यानी कि अगर लोगों को इस तरीके से रखा जाए
तो उनकी जो सेंस है वो खत्म होने लगती है। बेसिकली ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जैसे मान लीजिए लोग हैं, अगर आगे चलकर कोई स्टडी करनी है कि कैसी कंडीशन बन सकती है, उसको अडेप्ट करना है एनवायरमेंट को, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, बात की जा रही है जी फोर नेशन के बारे में। जी फोर नेशन में कौन कौन सा आप लोगों को यहां पर कंट्री देखने को मिलता है ये बताइए। ऑप्शन ए में बोला गया है ब्राजील, रसिया, इंडिया, जापान। ऑप्शन बी में बोला गया चाइना, रसिया, इंडिया और जापान। ऑप्शन सी में बोला गया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ऑप्शन डी में बोला गया ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। आप लोगों को याद होगा अगर प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखा है उसमें G20 कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन मैंने जो मॉर्निंग वाली वीडियो आती है पीआईबी वाली उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया भी है, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करके देखिएगा। दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वहां पर। ये जो क्वेश्चन है आगे आप लोगों से G7, E4, E9, G4 इन कंट्री के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो खासकर जो न्यूज में रहता है उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आप लोगों से ये भी पूछा सकता है कि G4 ग्रुप आखिर ये बनाया गया किस लिए है। अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है G4 नेशन बनाया किस लिए गया है, तो यहां पर आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो कई बार कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को पता नहीं है यहां पर कि हाँ कौन कौन सा नेशन है, पर आप लोगों को यह पता है किस लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे। और इसका आंसर मैं आप लोगों को एक हिंट दूं अगर, तो अगर आप लोग ये जानते हैं किस लिए बनाया गया है, तो रसिया, चाइना और यूएसए, यहां पर इनको देखकर आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो कंट्री इनको देखकर इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लोग दे सकते हैं। वो किस लिए दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं वीडियो के एंड में जानकर आप लोग काफी इंटरेस्टिंग चीज लगेगी जब इसके बारे में आप लोग समझेंगे, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आर्टिकल देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर आप आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। तो ये एक ओवरव्यू यहां पर आप लोगों के सामने एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली COVID-19 के चलते जो कंडीशन बनी है उसके बारे में, और कहां कहां पर मेडिसिन और वो सब चीजें प्रोवाइड करा जा रही है उनके बारे में यहां पर आर्टिकल है। ये आर्टिकल भी आप लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की कमी है, तो बोला जा रहा है कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो हेल्थ है वो आज के दिन में अगर बात करते हैं शेड्यूल अगर 7th में आप लोग जाएंगे, तो हेल्थ जो है यहां पर वो रखा गया है स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो स्टेट लिस्ट के अंदर का मतलब है कि स्टेट को हेल्थ के ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन हो गया, तो सेंट्रल लो बनाते हैं। अगर कोई करंट कौन करंट लिस्ट में होता है, जैसे कि आप लोग एजुकेशन देखिए कौन करंट लिस्ट में है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गया सेंटर। ठीक है, तो सेंटर लेकर आ गया, पर लेकिन स्टेट लिस्ट में स्टेट के ऊपर यहां पर दारमोदार होता है कि आप लोग इसको देखिए। तो इसी के चलते अभी जो हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है, उसके द्वारा बोला भी गया था कि जो यहां पर हेल्थ है उसको आप लोग कौन करंट लिस्ट में लेकर आओ, ताकि दोनों मिलकर काम कर सके सेंटर और स्टेट। ठीक है, हेल्थ के ऊपर काफी कम खर्चा किया जाता है आज के में हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसको बढ़ाकर 2.5% करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री की जीडीपी का। और देखिए जब ये बात करते हैं, तो अगर बात करें आज के में सिलेंडर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में अगर सिलेंडर पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर होना चाहिए कि मिलकर काम करें। एक राज्य से दूसरे राज्य में सिलेंडर पहुंचना है तो उसमें मिलकर काम करना चाहिए, तो कई बार यहां पर अलग ही माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे राज्य जो हैं वो आपस में चिढ़ते हुए नजर आते हैं, कई सारे राज्य पे रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट नजर आते हैं, और भी कई सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो उसके वजह से कई बार राज्य के बीच में झड़प रहती है। तो सेंटर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा माहौल बनाकर रखकर चले वहां पर। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। बाकी वैक्सीन तो आप लोगों को पता है कहीं कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, वो सारी बातें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट जैसा होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्लाइमेट के ऊपर जो अभी एक समिट देखने को मिली अभी, जिसमें यूएसए के द्वारा उसको होस्ट किया गया, तो उसके बारे में आर्टिकल है। इंडिया का क्या रोल है समझेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि पहले भी कई सारे आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में, पर एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा कि क्या बेसिकली रिलेशन है दोनों के बीच में और इंडिया ने क्या हेल्प की है बांग्लादेश की। यह आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट और काफी प्यारा है। ये इसराइल और सीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताऊंगा कि इसराइल और सीरिया के बीच में बेसिकली चल क्या रहे हैं, ईरान का क्या रोल है वहां पर, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, ये वही है कि कहां पर कितनी वैक्सीन और कितने वो सब चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। जो डेटा पॉइंट है यहां पर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मन की बात है उसके बारे में बात करें, एक तो वैक्सीन, डेथ काउंट, ट्वीट और ऑक्सीजन, ये सारी चीजों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये मन की बात तो नहीं, खैर ये न्यूज की बात हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये मन की बात तो होती है जो अंदर से निकल कर आती है। मन की बात देखे तो ये सारी चीजें कमी चल रही है, इनकी भरपाई होनी चाहिए, तो उसके बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मंडे को ये बेसिकली एडिटोरियल जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जो प्यारी जो न्यूज है यहाँ पर, जो सबसे प्यारा आर्टिकल है वो इसराइल वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि इसराइल के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। आखिर आप लोगों ने देखा होगा कई बार
गोलन हाइट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो गोलन हाइट किसका पार्ट है? ये सीरिया का पार्ट है। कंट्रोल किसके अंदर है? ये इसराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसराइल और सीरिया के बीच में कई बार इसको लेकर झड़प रहती है। डेड सी के बारे में पूछा जाए किस किसके बीच में, तो फिलिस्तीन हो गया ऊपर, इसराइल हो गया नीचे, और नीचे हो गया जॉर्डन सी यहां पर साइड में, तो डेड सी इसके बीच में देखने को मिलेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा तो मैप का क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेडिटेरेनियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओपन है यहां पर ये इसराइल और फिलिस्तीन। यहां पर ये गाजा स्ट्रिप है फिलिस्तीन का, एक तो ये पोर्शन हो गया, और ये हो गया यहां पर ये वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का है। जेरूसलम जो है यहां पर एक डिसिप्यूटेड एरिया है, लड़ाई वाला एरिया है, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर हरकतें की गई कि जेरूसलम को बोल दिया ये इसराइल का पोर्शन है। इनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया गोलन हाइट भी जो है वो इसराइल का पोर्शन है, जबकि कई सारी कंट्री जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अभी यहां पर इंडिया का भी, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं गोलन हाइट के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो यहां पर अपनी पोजीशन ये रखती है कि गोलन हाइट जो है वो यहां पर बेसिकली इसराइल का पार्ट नहीं है, वो सीरिया का पार्ट है। उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इसराइल की सॉवरेनिटी है इसके ऊपर। अब तक भी 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अरब लीग जो है, अरब जो कंट्री है, उनके द्वारा भी यहां पर जो बेसिकली सस्पेंड किया गया, हालांकि सीरिया को 2011 में, ठीक है, जब सिविल वॉर लाइक कंडीशन देखने को मिली, पर फिर भी ये बोला जा रहा है कि कंप्लीटली बियॉन्ड है इंटरनेशनल ऑर्डर के अगर इसराइल जो है उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं। इजिप्ट जो है वो पीसफुल रिलेशन में है इसराइल के साथ में 1979 से, पर फिर भी वो सीरिया को बोलता है कि सीरिया का पार्ट है गोलन हाइट, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है वो भी यही बोलता है कि गोलन हाइट जो है वो यहां पर सीरिया का पार्ट है और इसराइल को उसको रिटर्न कर देना चाहिए। तो ये भी यहां पर इनके द्वारा ये बात बोली जाती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम कंट्री का, बस एक दो कंट्री मुझे लग रहा है, बस यूएसए के अलावा यहां पर शायद ही कोई होगा जो इसराइल को बोलता है कि इसराइल का पार्ट है गोलन हाइट। पर लेकिन इसराइल फिर भी इसके ऊपर इतना ज्यादा पकड़ क्यों बनाए हुए, तो उसके रीजन कई सारे रीजन है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे क्रीमिया वाला इशू है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ऐसे यहां पर ये गोलन हाइट है। गोलन हाइट इसराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये यहां से मॉनिटर कर पाते हैं सीरिया के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सीरिया के अंदर जो आज के में सिया कम्युनिटी जो ईरान के द्वारा सपोर्ट की जाती है, हिजबुल्ला ग्रुप देखने को मिलेगा, तो उनको ऊपर निगाह रख पाता है यहां पर ये, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, इसलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा एक नेचुरल बफर भी है, यानी कि कल को अगर कोई अटैक करता है तो यहां पर एक बफर, एक बेसिकली बांध का काम करता है दोनों कंट्री के बीच में, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाट यहां पर वाटर सोर्स के बारे में बात की जाए तो ये काफी बड़ा, लगभग जो थर्ड, वन थर्ड जो पार्टी है यहाँ पर जो इसराइल के अंदर आता है वो यहीं से निकल कर आता है। बारिश वगैरह होती है, जो भी रीजन है यहाँ पर, जो बर्फ वगैरह, जब जो भी चीजें देखी जाए, तो यहाँ पर बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है, वोल्केनिक लैंड है, तो यहाँ पर अंगूर के बाग वगैरह, या फिर जो जानवर होते हैं उनके चरने के लिए जो जगह है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर फिर भी हल्का सा आइडिया रखेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं, आखिर क्यों इसराइल जो है इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये इनके लिए, खासकर अगर ढंग से देखा जाए तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अब सिचुएशन समझ लेते हैं, कंडीशन क्या है। इसराइल की पोजीशन आप लोगों ने देखनी, अब यहां पर फिलिस्तीन की पोजीशन भी आप लोग यहां पर देख लीजिए। अगर यहां पर जो सीरिया है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सीरिया में आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, तो यहां पर पहले इनके फादर हुआ करते थे, फिर ये आ गए। तो 2011 से सीरिया जो है वो गृह युद्ध में चल रहा है, ठीक है। गृह युद्ध मतलब यानी कि एक इंसान बैठा हुआ है गद्दी पर, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग कब तक झेलेंगे, तो वो कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर रीजन में काफी बड़ा है। तो इसराइल आखिर क्यों परेशान है, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया गोलन हाइट को लेकर, तो इसके बारे में अब डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर ये आप लोगों से इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी यहां पर पेपर सेकंड में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ लेते हैं आखिर क्या कंडीशन है। 10 साल के करीब हो गए सीरिया में जब क्राइसिस मेन स्टार्ट हुआ, प्रेसिडेंट बशर अल असद के रिजीम के खिलाफ यहां पर स्टेप उठाए गए लोगों के द्वारा, और एक सिविल वॉर लाइक कंडीशन बन गई। रशिया के द्वारा इसमें एंट्री की गई 2015 में, जब यहां पर सिचुएशन देखने को मिली, रशिया जो है वो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो ईरान है वो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिट जो पार्टी है जैसे कि यूएसए हो गया, ये दूसरी कंट्री हो गया, वो यहां पर इनके अपोज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सीरिया जो है वो एक महाभारत का ग्राउंड बना हुआ है आज की डेट में भी। तो इसके चलते यहां पर जो असद है उनके द्वारा, हालांकि मोस्ट ऑफ द पार्ट सीरिया का कंट्रोल किया जा चुका है आज के डेट में, बस अगर इदलिब और इसी के साथ में कुर्द टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, तो ये कहां कहां पर है अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो इदलिब जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रिबेल फोर्स है उनके कंट्रोल में नजर आता है, ठीक है। बाकी ये रेड रीजन जो है ये सीरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है आज के डेट में। इसके साथ में ISIL जो ग्रुप है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तुर्की का जो कंट्रोल है वो आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा,
थोड़ा सा आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन पर देखते हैं, ठीक है। कुर्द जो फोर्स है, कुर्द कम्युनिटी, ये अलग से अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। कुर्द जो फोर्स है उसको कुर्दिस्तान में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ पोर्शन तो तुर्की का लेना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये कुछ पोर्शन ईरान का लेना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन, और कुछ पोर्शन इराक का लेना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन, और कुछ पोर्शन ये नॉर्थ में सीरिया का लेना चाहते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये देखने को मिलेगा, तो ये एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं यहां पर कुर्द कम्युनिटी के द्वारा। तो ये कुर्दिस्तान जो लोग हैं, कुर्द कम्युनिटी जो है, इनके द्वारा जो यूएसए था उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया जब वो यहां पर एंट्री कर रहा था इसके सीरिया के अंदर। तो यहां पर उस टाइम पर काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया, पर लेकिन जैसे ही यूएसए यहां से निकल रहा है, ठीक है, वैसे ही यहां पर तुर्की जो है कुर्द कम्युनिटी को सप्रेस कर रही है, उसके ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर एक अलग माहौल देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक अलग ही अजीब सा माहौल रहता है। तो कुर्दिस्तान के बारे में कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट मैप हो जाते हैं यहां पर। तो ये बेसिकली कुर्द कम्युनिटी वाला एरिया छोड़ दीजिए और इदलिब वाला एरिया छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम सारा पोर्शन असद गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कुर्द जो है वो एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी बॉर्डर एरिया में, तुर्की को इससे चिड़न होती है क्योंकि कोई नहीं चाहता उसके देश का पोर्शन जो है वो काट के कोई ले जाए। तो इसीलिए तुर्की जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहता है और वो यहां पर अटैक करता रहता है, ठीक है, कुर्द कम्युनिटी के ऊपर। और इसीलिए चाहता है कि एक तरीके से शांति भी बनी रहे डमास्कस, यानी कि एक तरीके से जो सीरिया है उसके अंदर में। अगर बात की जाए इदलिब के बारे में, तो यहां पर जिहादिस्ट कंट्रोल करते हैं जैसे मैंने बताया अभी यहां पर। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कुछ टाउन जो है यहां पर बॉर्डर करते हैं जो प्रो तुर्की मिलिटेंट है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यानी कि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सीरिया गवर्नमेंट जो है वो यहां पर अलग तरीके चीजों को लेकर चल रही है। हालांकि विक्ट्री जो मानी गई यहां पर असद गवर्नमेंट की मानी गई, तो यहां पर भी यूएसए की हार हुई जैसे अफगानिस्तान में, तो यहां पर भी यूएसए मुखी खाकर बाहर निकला, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसराइल एक काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सीरियन जो आर्मी है वो यहां पर आज के में देखने को मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलता है रसिया और ईरान का, ठीक है। ईरान के द्वारा बैक जो सिया मिलिटेंट है हजबुल्ला ग्रुप जो लेबिनान वाला, उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। ईरान बेसिकली अपने ऊपर प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए इनको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग देखते ना पाकिस्तान में तालिबान जो है उसको सपोर्ट मिलती है। रीजन क्या है, कल को चलकर अगर तालिबान के साथ में बात होनी है तो सब पहले आकर पाकिस्तान से बात करेंगे कि यार देख लो सुधार लो तालिबान को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए ऐसी बातें यहां पर की जाती है, तो उसी के चलते सिचुएशन निकल कर आती है। तो जो सीरिया है यहां पर वो बॉर्डर इसराइल के साथ में शेयर करते हैं। तो जब यहां पर सिविल वॉर होती है तो यहां पर बेसिकली ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है वो कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर कभी भी कुछ होता है तो ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, क्योंकि इनको ये लगता है अगर सीरिया में शांति रहेगी, इसराइल ये सोचते हैं, तो फिर शांति बनी रहेगी। पर लेकिन अगर शांति रहेगी तो यहां पर ईरान का मकसद वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ईरान से कौन बातें करेगा, प्रेशर में कौन आएगा। तो यहां पर इसलिए ईरान अपना खेल खेलता रहता है यहां पर। ये सीरिया जो क्राइसिस है यहां पर 2011 बारे में स्टार्ट हुआ, तो यहां पर तब इसराइल के द्वारा वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो की गई कि देखते हैं कब तक शांति बनती है यहां पर। ये फिर यहां पर जो एंट्री हो गई हजबुल्ला ग्रुप भी यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के द्वारा, और भी कई सारी कंडीशन देखने को मिली। तो फिर सीरिया को लगने लगा यार अगर शांति रहेगी तो कल को जाकर बहुत बुरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने सीरिया के अंदर जो ईरान की फैसिलिटी थी उस पर बम्बार्डमेंट करनी स्टार्ट कर दी। ईरान के द्वारा जो सपोर्ट जो सिया ग्रुप था उसके द्वारा बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट कर दी। और पास्ट में भी 1967 में ये 6 दिन की वॉर चली थी। इस 6 दिन की वॉर में इनके द्वारा गोलन हाइट को कैप्चर किया गया, जो कि यहां पर और आगे चलकर उसको अपना पार्ट बना लिया गया। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा हरकतें की गई कि गोलन हाइट जो है ये पार्ट है किसका। उन्होंने साफ साफ बोल दिया गोलन हाइट है पार्ट किसका, इसराइल का। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका क्रिटिसिज्म हुआ कि यार एक ऐसी लीडर होते हुए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, वो इन सब चीजों को मानते थोड़ी नहीं, वो तो अपने हिसाब से बेसिकली चीजों को लेकर चलते हैं, जो कि एक गलत रवैया आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। आगे अगर बात करें यहां पर बेसिकली इनके बारे में, तो यहां पर जो यूएसए है यहां पर वो फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गोलन हाइट को यूएसए की पॉलिसी के अंदर। गोलन हाइट जो है वो सीरिया के द्वारा कैप्चर की गई, बेसिकली सीरिया से कैप्चर की गई इजराइल के द्वारा 1967 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर इसको अपना पार्ट बना लिया गया कंप्लीटली 1981 में। इसको कोई भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करता है यूएसए के अलावा। गोलन हाइट जो है वो एक बेसिकली रॉकी प्लेटो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 1800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसराइल और सीरिया के बीच में। गोलन हाइट जो है यहां पर ये वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और इसी के साथ में यहां पर जो गाजा स्ट्रिप है, ये यहां पर ऑक्युपाइड की गई इसराइल के द्वारा जब 6 दिन की वॉर थी। 6 दिन की वॉर में सबके छक्के छुड़ा लिए थे इसराइल ने यहां पर। इसराइल देखिए अगर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, पर लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर एक अच्छी कंट्री नहीं है दूसरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। सीरिया जो है वो इसको वापस लेना चाहता है पर लेकिन वापस नहीं ले पा रहा है, तो सीरिया को डिफीट किया गया 1973 में फिर से, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आर्मिस्टिस जो ट्रीटी है 1974 की वो साइन की गई, तो यूएन के द्वारा
ऑब्जर्वर फोर्स के द्वारा यहां पर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया 1974 में। तो अब यहां पर सीज फायर है, यानी कि ये उससे कुछ नहीं खरीद ले सकते और वो उससे कुछ नहीं ले सकता, वो कंडीशन बनी हुई है। इसराइल के तीन मेन मुद्दे हैं, एक तो वो डिसरप्ट करना चाहता है ईरान की सप्लाई जो हिजबुल्ला है और सिया जो मिलिटिया है उनको। दूसरा मुद्दा यहां पर ये है कि वो एक तरीके से जो एक तरीके से स्टॉप करना चाहता है जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके पड़ोसी बॉर्डर में जो आकर बैठ जाते हैं उसको कैसे रोकना है। और नेक्स्ट यहां पर ईरान की जो प्रेजेंस है वो सीरिया में वीक करना चाहता है, बल्कि खत्म करना चाहते हैं। तो ये तीन गोल है जिसलिए यहां पर ईरान और सीरिया के बीच में नया बोला जाए ईरान और इसराइल के बीच में झड़प रहती है सीरिया के अंदर, ये सब सही है। ठीक है, तो लास्ट जो 3 ईयर से यहाँ पर इसराइल जो है बहुत सारी स्ट्राइक यहाँ पर सीरिया के ऊपर कर चुके हैं, जैसे हमारी कंट्री में ना सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक कर चुके हैं। सीरिया जो है यहाँ पर वो फायर कर चुके हैं कई बार यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ये इसराइल के ऊपर भी, अभी आप लोगों को देखने को मिला था सीरिया के द्वारा इसराइल का वॉर प्लेन जो है वो मार गिराया था। तो एंटी जो एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल इनके द्वारा यूज की गई अभी लास्ट वीक भी, तो एक कंडीशन देखने को मिली। तो इसराइल जो है यहाँ पर ये उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसका नाम है यहाँ पर डायमोना, ठीक है, तो इसके पास में इनके द्वारा अटैक किया गया, तो ऐसी बॉम्बार्डमेंट देखने को मिलती है। फिर इसराइल ने सीरिया के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया, तो ये एक तरीके से काम चलते रहते हैं। तो सीरियन गवर्नमेंट जो है वो ईरान को सपोर्ट करेगी क्योंकि ईरान बेसिकली लाइफलाइन है उसके लिए, अगर ईरान जितनी सपोर्ट दे रहा है उतनी सीरिया गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करे तो अब तक बशर अल असद का एक तरीके से फरकच्चे उठ जाते हैं। ठीक है, तो ईरान की वजह से और रशिया की वजह से यहां पर टिका हुआ है। सही जो यहां पर सीरिया है वो आज की डेट में ईरान और जो इसराइल के बीच में जो झड़प चल रही है वो यहां पर इसके लिए बैकग्राउंड बना हुआ है, और वेस्टर्न जो एशिया है उसके अंदर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अशांति रहती है। और ये अशांति आगे बढ़ते बढ़ते आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये यहां से आप लोग देखिए यहां पर है बेसिकली ये मेडिटेरेनियन सी में पहुंच गई और यहां पर रेड सी में भी पहुंच गई। यहां पर अगर कोई जहाज आता है ईरान का या फिर कोई जहाज आता है किसी दूसरी कंट्री का तो एक दूसरी कंट्री के ऊपर यहां पर अटैक किया जा रहा है। तो यहां पर आज के डेट में सिप पर भी अटैक किया जा रहा है मेडिटेरेनियन और रेड सी के अंदर में, तो यहां तक प्रॉब्लम पहुंच चुकी है जिसके चलते अशांति इस रीजन में। इसराइल जो है वो बेसिकली ईरान का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और खासकर ईरान जो है अगर न्यूक्लियर डील में चला जाता है जो कि बात चल रही है अभी, तो उसको और ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा उसका व्यापार होगा, उसकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ईरान और बढ़ चढ़कर यहां पर इन चीजों को सपोर्ट कर सकता है। तो इसराइल इसलिए भी टेंशन में है, तो वो इसलिए भी चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो आगे न बढ़े। तो जो भी कंफ्यूजन था आप लोगों के माइंड में, जो कई सारे क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछते थे सर ईरान इसराइल क्यों लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होना चाहिए। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये बात यहां पर की जा रही है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली ग्रीन पार्टनरशिप के बारे में। ग्रीन पार्टनरशिप किसके बारे में, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बेसिकली एक आर्टिकल जो यूएसए है उसके द्वारा बोला गया कि 52% के करीब ये एमिशन कट करेंगे 2030 तक का, ये टारगेट रखा गया जो बाइडन के द्वारा। और इंडिया को भी बेसिकली यहां पर कुछ ऐसे ही टारगेट रखने की बात की जा रही है। इंडिया ने बोला है मिलकर काम करेंगे, चीजों को सपोर्ट करेंगे, और शी जिनपिंग ने दोहराई अपनी बात कि 2030 तक का पीक पर पहुंचेंगे और 2060 तक का वो फिर एमिशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो उनका ये टारगेट है। तो अब कंडीशन कैसे बनती है कि किस तरीके से उनको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से चीजें रोक कर चलनी है, तो उसके बारे में कई सारी बातें हैं। सबसे पहले तो यूएसए और जो चाइना है, बेसिकली यूएसए और जो इंडिया है, तो उसके बारे में बात करें तो क्लाइमेट एंड जो क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 तक का उसके ऊपर फोकस देकर चलते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहां पर एक तो सबसे बड़ी जो बात है, देखिए अगर कोई भी आप लोग चेंज लाना चाहते हैं तो पैसा आप लोगों के पास में होना चाहिए, तो फाइनेंस होना चाहिए, यहां पर अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए आप लोगों, तो यूएसए को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री उनको सपोर्ट करना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्री को, क्योंकि वो इतना खर्चा तो कर नहीं सकते हैं। तो लीडरशिप समिट के अंदर जो समिट जो हुई यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब उनके द्वारा जो वर्ल्ड है उसके ऊपर फोकस किया गया कि हाँ कार्बन एमिशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे, और इंडिया तीसरे नंबर पर है यूएसए और चाइना के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, पर लेकिन पर कैपिटा में हिसाब से बात करेंगे तो 60% पर आप लोगों को ग्लोबल एवरेज में देखने को मिलेगा। अगर 100% है यूएसए और चाइना तो इंडिया 60% में काफी पीछे है। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग को अभी ऐसा नहीं है कि चीजें डिक्लेयर कर देनी चाहिए, तो आराम आराम से चीजों को समझकर आगे बढ़ने हैं, क्योंकि जब पेंडेमिक आ गया COVID-19 के चलते अर्थव्यवस्था सबकी बर्बाद हो चुकी है, तो काफी कुछ आगे देखने को मिलेगा, तो उसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि ये माना जा रहा है जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था आप लोगों ने बोला था रिसेशन आ गया कि जॉब नहीं मिलेगी, अब इंजीनियरिंग नहीं करेगा कोई, ठीक है वो वाली कंडीशन, तो उस टाइम पर यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फॉसिल फ्यूल है काफी लार्ज स्केल पर यूज किए गए क्योंकि अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था। तो कोरोना वायरस जो है फिर से उसी चीज के लिए लोगों को प्रेस करेगा कि फिर से लोग जो है फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो यहां पर बात करूं अगर
प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि यार हम लोग को कंट्रोल करना है 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री तक रखना है हम लोग को, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बात की गई थी। तो इसके चलते हम लोग को डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा, खासकर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग सेक्टर सारा। तो इंडिया भी इसके लिए सपोर्ट है वो भी, पर लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अभी बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए जैसी कंट्री अगर सपोर्ट करे तो चीजें नॉर्मल की जा सकती है। बहुत सारी डेवलप कंट्री जो है वो यहाँ पर बेसिकली रिलेक्टेंट है अगर बात करें हेल्प करने में, और इंडिया भी इसीलिए रिलेक्टेंट है अपना जीरो एमिशन का डिक्लेयर करने में, क्योंकि उसको पता है इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कार्बन जो यहाँ पर अगर कोयले से हम लोग लगभग, आप लोग बात करें 50-60 से भी ज्यादा परसेंट हम लोग आज के दिन में अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर रहे हैं कोयले से। कोयला यूज करना बंद कर देंगे तो लोगों के घरों में बिजली पहुंचना बंद हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना, फंडिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो डेवलपिंग कंट्री अगर हेल्प करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तो विन विन कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, एक बूस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट को अच्छा रखेंगे, उसी के साथ में जो भी इमर्जिंग कंट्री है वो पेंडेमिक के बाद में भी अपनी हालत सुधार पाएंगी। तो यूएसए जैसी कंट्री को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब, उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया यहाँ पर एमबीसीएस समिट के अंदर प्रोग्राम कि 78% बाई 2035 तक यहाँ पर ये 1990 के लेवल पर लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जो एजेंडा है बेसिकली 100 बिलियन की बात की जा रही है, तो देखिए ये कम है, कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाना चाहिए आज के हिसाब से अगर कंडीशन को समझ के चले। तो इंडिया और यूएस की जो एंगेजमेंट है, जो बाइडेन के द्वारा बोला गया कि अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सप्रेस, उसको एक तरीके से प्रेस करेंगे, या फिर जो रिसर्च उनको बोलेंगे कि वो अपनी नॉलेज और या टेक्नोलॉजी वगैरह है वो ट्रांसफर करें और शेयर करें, तभी जाकर यहां पर चीजें सही हो पाएंगी। 50% या फिर 52% 2030 तक का, 2005 के लेवल पर ये ला पाएंगे या नहीं वो देखते हैं अभी। यहां पर एग्रीमेंट जो है इंडिया को भी यहां पर इसी के फोकस करने की बात की जा रही है, पर इंडिया ने अभी कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं है, ठीक है। तो ये है बेसिक मुद्दा जिसके बारे में बात की जा रही है। देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश की हमारे द्वारा कई बार हेल्प की गई है पास्ट में भी, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश के बारे में आप लोग बात करें, तो बांग्लादेश के बारे में आप लोग देखते हैं आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो यहां पर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, एक नई कंट्री बना। फिलहाल हम लोग बात करें तो 1971 से लेकर आज तक का हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पर 1971 से लेकर 2021 में पूरे 50 साल इसको कंप्लीट हो गए। और भूटान याद रखिएगा पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश पैदा हुआ है। दूसरी कंट्री भूटान, पहली कंट्री भूटान थी, दूसरी कंट्री थी इंडिया, ठीक है। तो हमारी पोजीशन दूसरी है, तो ये कंफ्यूज मत होना। बांग्लादेश के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी दो रहती हैं, जो लीडर हैं शेख हसीना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और खालिदा जिया, ये हमेशा इंडिया के अपोज में रहती है, ये पाकिस्तान के फेवर में रहती है। तो कई बार बुरी सिचुएशन दोनों कंट्री के बीच में देखने को मिलती है। तो इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया बांग्लादेश को, तो उसके चलते इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे हैं। इवन अगर आप लोग सोचिए बांग्लादेश हमारा पार्ट है जैसे ऐसे, तो हम लोग इधर से इधर जा सकते हैं आसानी से, वो नहीं हो पाते हैं आज के में। तो बांग्लादेश के साथ मिलकर पुराने जो रूट हैं उनको भी हम लोग रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे काम भी हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसी के बारे में बात की जा रही है। ये मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिया था, इंडिया के जो लिंक है, इंडिया के जो बेसिकली बांग्लादेश के साथ में जो लिंक है सिविलाइजेशन, कल्चर, सोशल, इकोनॉमी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो डिस्कस करना है कि जो प्रेजेंट एरिया है कोऑपरेशन का, ठीक है, तो वो किस तरीके से कंसर्न का रीजन है और कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हैं। अभी फ्रेंडशिप ट्रीटी के 50 साल पूरे हो गए, तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री या फिर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली। लगभग यहाँ पर 3,900 के करीब इंडियन सोल्जर की भी जान गई जब यहाँ पर बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। 10 मिलियन के करीब बांग्लादेशी रिफ्यूजी हमारी कंट्री में, तो हम लोगों ने दिल खोलकर उनको बेसिकली सपोर्ट किया उस टाइम पर जब पाकिस्तान के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो ऑक्सीलेशन में रहे, कभी अच्छे रहे तो कभी बुरे रहे, डिफरेंट रिजीम रहा तो चीजें चेंज होती रही। जब तक शेख मुजीबुर रहमान रहे 15 अगस्त 1975 तक, ठीक है, उनका असैसिनेशन किया गया, तब तक चीजें सही थी। शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन किया गया, पूरी फैमिली को मार दिया गया। तो यहां पर जब पूरी फैमिली को मारा गया, इनकी दो बहन थी शेख हसीना और दूसरी इनकी बहन, वो जान बचाकर गई, वो वहां पर थी नहीं एक्चुअली, बेसिकली बाहर पड़ रही थी जिसलिए उनकी जान बच गई, ठीक है। आगे चलकर यहां पर मिलिट्री रूल आया यहां पर, तो बेसिकली जनरल जाऊर रहमान, ठीक है, तो ये यहां पर आए तो प्रेसिडेंट बने। तो 1981 में इनका भी असैसिनेशन किया गया, इनको भी मौत के घाट उतार दिया। 1982 से लेकर 1991 तक यहां पर जो मिलिट्री लीड किया यहां पर, तो जनरल जो HM, ये बेसिकली इरशाद, इनके द्वारा रूल किया गया। और फिर बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई 1991 में, जहां से फिर चीजें आगे बढ़ी। तो यानी कि कहने का मतलब है बांग्लादेश ने काफी ऊंच नीच देखी है, चीजें नॉर्मल नहीं चली है। अगर आज की डेट में बात करें तो अगर बात करें कि यहां पर लास्ट डिकेड इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के काफी अच्छे रहे, कोऑपरेशन किया गया, हिस्टोरिकल कल्चर टाई देखने को मिली, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी और डिफेंस में काफी अच्छे से आगे बढ़े। इवन सबसे जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो भी सुलझा लिए गए। कई सारे एरिया हम लोगों ने बांग्लादेश को दिए और कई सारे बांग्लादेश ने हमको दिए,
हालांकि हम लोगों ने ज्यादा चीजें बांग्लादेश को दी, तो उसके चलते भी यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कई बार ये एक उदाहरण दिया जाता है कि इंडिया जो है वो अच्छे से अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं दूसरी कंट्री के साथ ही, पर लेकिन चाइना जैसी कंट्री आगे नहीं आती है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसके बारे में बात करें तो उन्होंने भी काफी हेल्प की, एंटी इंडिया इंसर्जेंसी है, उन्होंने कभी अपनी जमीन पर पनपने नहीं दी, जो कि पीसफुल रिलेशन बने रहे। और इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया में बांग्लादेश का, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं यहां पर अगर बात करें बांग्लादेश को 9.21 बिलियन, और इंपोर्ट करते हैं 1 बिलियन के करीब, ठीक है। फ्री जो एक्सेस है यहाँ पर मल्टी बांग्लादेशी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में, रोड रेलवे ब्रिज एयरपोर्ट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था 8 बिलियन के करीब इंडिया के द्वारा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज पोर्शन जो है टूरिस्ट का वो देखने को मिलेगा, लार्ज पोर्शन ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया बांग्लादेशी रहते हैं, तो 5 अगर बात करें हर 5 में से एक टूरिस्ट बांग्लादेशी हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश अकाउंट करते हैं लगभग 35% और इंडिया इंटरनेशनल मेडिकल जो पेशेंट्स हैं यानी कि इंटरनेशनल से अगर कोई हमारी कंट्री में इलाज करवाने आते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर बांग्लादेशी हैं। 50% इंडिया रिवेन्यू जो मेडिकल टूरिज्म का है वो बांग्लादेश से आता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कोलकाता से अगरतला कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस है। वैसे अगर कंपेयर किया जाए, अगर चिकन नेक से घूमकर जाते हैं तो ये 1600 किलोमीटर से भी ऊपर पड़ता है। तो यानी कि मैं आप लोगों को अगर उदाहरण देकर समझाऊं, अगर यहाँ पर आप लोग जाना चाहते हैं बांग्लादेश के थ्रू तो यहाँ से आसानी से यहाँ पर पहुंच जाएंगे 500 किलोमीटर, और वहां से अगर होकर जाएंगे तो 1600 किलोमीटर। तो इस तरीके से बांग्लादेश के साथ में अगर अच्छे रिलेशन रहते हैं तो काफी कुछ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज अभी मैत्री सेतु का नाम जिसको दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया, तो ये भी अच्छी बात है। बांग्लादेश जो है यहां पर अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के द्वारा अलाउ किया गया शिपमेंट गुड्स ये फ्रॉम ये बेसिकली क्या थे यहाँ पर ये मंगोला एंड जो चितगोंग यानी कि जो सी पोर्ट है वहां से रोड वाटरवेज इनके थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। पर लेकिन कई सारी बुरी रिलेशन की बात की जाती है, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता वाटर इशू अब तक नहीं सुलझाया गया, ये बड़ा मुद्दा है। बॉर्डर के ऊपर क्लीन की जाती है वो काफी बड़ा मुद्दा है, और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे कि बॉर्डर के ऊपर अगर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है काफी लार्ज स्केल में बांग्लादेशी लोग मारे जाते हैं क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करने की बात करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर काफी दिक्कत, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल का जो एक जो अभी यहाँ पर ये एक व्हीकल एग्रीमेंट था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया प्रॉपर वे में। श्रीलंका नेपाल और मालदीव जो हैं चाइना को लेकर कंसर्न रहते हैं, चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो कई सारे ये भी इशू हैं। इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है यहाँ पर ये पॉजिटिव मोमेंट में चल रहे हैं, हालांकि पास्ट 50 ईयर में कई सारी चीजें देखने को मिली, पर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बांग्लादेश। कोऑपरेशन कोलैबोरेशन और कंसोलिडेशन की बात की जाती है, अगर रिलेशन बेकार हुए तो हम लोग उनको सुधारना चाहिए और सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर इसके बारे में। अब क्वेश्चन है आप लोगों से जो मैंने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, देखिए अगर आप लोगों को पता है G4 कंट्री किस लिए बनाया गया, G4 कंट्री बनाया गया ताकि परमानेंट मेंबर की पोजीशन इन कंट्री को मिल सके। आप लोगों को पता है रशिया परमानेंट मेंबर है, चाइना परमानेंट मेंबर है और यूएसए परमानेंट मेंबर है, तो ब्राजील जर्मनी इंडिया और जापान ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को पता न हो कि कौन कौन से मेंबर है। अगर आप लोगों को ये पता है क्यों बनाया गया G4 ग्रुप तो भी आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। तो डी है आंसर, यहाँ पर फाउंड किया गया था 2005 में, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन, पर्पज है कि एक सीट लेना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। तो ये G4 कंट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप के माइंड में क्लैरिटी होगी, ठीक है। बाकी ये था टोटल आज का डिस्कशन, तो आप लोग जाकर ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन अपना कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोग की अप्रैल की आ जाएगी, ओके। तो एंजॉय कीजिए यार, अपना ध्यान रखिए, और बीमारी से थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ, और चीजें अच्छे से लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, PDF सारी जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सॉरी यार लेट हो गई है थोड़े सा आप लोगों को, जैसे मैंने बताया अभी भी सर भारी है हल्का सा, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत है, कोई नहीं कल से आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।